56 इंच के सीने वाले के सेंट्रल एजेंसी ईडी सीबीआई एनसीबी ने 56 लोगों का इंक्वायरी करने वाली मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना और एनसीपी के कारण विफल रही। मुंबई पुलिस जांच कर सकती थी, आप सही बोल रहे हो, मुंबई पुलिस कर सकती थी, लेकिन आप लोग ने दबाया, क्योंकि बड़े बड़े जो नाम पीछे आने वाले थे, खुलने वाले थे, आपने उसको रोकने का काम किया। आपने अगर चाहते थे अभी क्यों नहीं कर सकते हो, ड्रग्स का भी जांच कर लो आप, मैं नाम देता हूं आपको, मैं नाम दे देता हूं, आप कर सकते हो अभी तो कर लो, निकाल लो, आप उनके आगे निकल जाओगे, लेकिन आपको तो करना ही नहीं है। आप अगर जांच सही में करते, 65 दिन अगर आपके पास था, आप अगर कर देते तो आज ये नौबत नहीं होती। मुंबई पुलिस का अगर नाक कटा है, पहली बार इतिहास में हुआ है, वो आप लोग के कारण हुआ है। मैं खुल के नाम ले रहा हूँ, इम्तियाज निसार खत्री, इम्तियाज ने, सुनिए, बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज बोलने दीजिए। इम्तियाज निसार खत्री, ये नाम का ऑलरेडी चैट में आया है कि ड्रग्स के लेन देन के बारे में रिया के साथ। मैं पहले से खुलासा करते आ रहा हूँ कि इम्तियाज निसार खत्री इसमें इन्वॉल्व है। क्यों? 2017 का जो फेमिना वुमेन अवार्ड हुआ था, जो इम्तियाज निसार खत्री ने स्पॉन्सर किया था, और विजय वीडियो जॉकी रिया चक्रवर्ती थी, वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर थी, यानी वो पहले उनका पहचान था सुशांत के साथ बाद में। और ये इम्तियाज निसार खत्री कौन है ये बताते हैं आपको। ये 28 साल का लड़का जिसको महाराष्ट्र पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, ये निसार खत्री के बेटे हैं। निसार खत्री जो सिंचन घोटाला में अजीत पवार के साथ आरोपी हैं, ये 2.5 महीना जेल में जाके आए हैं। थाना एनसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाल गंगा डैम में इनको आरोपी घोषित किया गया। जो 325 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो 1220 करोड़ में हो गया था, उसमें ये आरोपी है। तो निसार खत्री के बेटे इम्तियाज निसार खत्री है। ये रिया चक्रवर्ती को बड़ी खिलाड़ी नहीं है, वो तोप नहीं जिसके लिए संजय राउत आ गए या अपने अनिल देशमुख साहब आ गए। ये नाम अगर खुल जाता है, इनके साथ उनका टावर लोकेशन, बैठने का लोकेशन, रात गुजारता हुआ लोकेशन भी मिल रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती की वकालत नहीं कर रही थी, एक्चुअल में जो वकालत कर रही है, ये मैं डॉक्यूमेंट के आधार में बात कर रहा हूं, हमने तथ्यों के आधार पे बात। इनको ऐसा है कि आत्महत्या बोल दोगे तो खुलेगा नहीं, चाहे उसमें सब बच जाए, उसमें संदीप सिंह बच जाए, उसमें बाकी लोग बच जाए। ये चाहते हैं कि ये नाम अगर उजागर हो जाता है तो मोबाइल में जो इंटरेक्शन, आपस में जो व्हाट्सएप होता है, ये खुलासा हो जाएगा। जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो भी नाम है, पेंगुइन नाम है, जो भी बोल रहे हो, वो नाम भी उसमें दिख जाएंगे।